सब्सक्राइब कीजिए मैथ इन सेकेंड्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को और पाइए मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स की जानकारी सबसे पहले आप तक। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ इन सेकेंड्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नाव और थारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको उन्हें फेस कैसे करना है वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हमारे व्हाइट बोर्ड की तरह। आज का हमारा टॉपिक है नाव और धारा संबंधी यानी कि बोट एंड स्ट्रीम संबंधी क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए हमने पहला यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक नाव की चाल है जो 8 किलोमीटर घंटा है और वह नदी की चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए कि धारा की दिशा में वह धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि मैं जब भी आपसे धारा की दिशा में चाल पूछी जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास दो चाल आपको इसमें देखनी होगी। पहली तो होगी आपकी नाव की चाल और दूसरी होगी आपकी नदी की चाल। नदी की चाल का मतलब है कि नदी का जो पानी है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। और फिर उन दोनों का टोटल आप करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी धारा की दिशा में चाल, ठीक है। और यदि आपको विपरीत दिशा में चाल निकालनी हो तो फिर आपको नाव की चाल माइनस नदी की चाल करना होगा। यानी कि यदि व्यक्ति यदि ऐसे जा रहा है पानी की दिशा में तब तो उसकी जो धारा की जो चाल है वो उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन यदि वो ऐसे आ रहा है इस तरीके से और पानी यहाँ बह रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो नदी की धारा की चाल है वो इसको मतलब इसको सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि इसे और पीछे की ओर फेंकेगी, तो इसकी जो चाल है वो और कम हो जाएगी। तो इसलिए यदि आपको धारा की दिशा में चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ना है और विपरीत दिशा में निकालना है तो दोनों को घटा देना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी। तो धारा की दिशा में चाल बतानी है। तो देखिए दोस्तों आपकी नाव की चाल आपको दी हुई है 8 किलोमीटर घंटा, तो हमने लिख दिया 8 प्लस आपको नदी की चाल दी हुई है कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने यह कर दिया 6, तो ये आपकी आ जाएगी टोटल 14 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की दिशा वाली चाल है, ठीक है, धारा की दिशा में। अब आपको निकालना है धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको यहाँ पे नदी की चाल जो है वो नाव की चाल से घटा देना होगा। तो देखिए 8 माइनस 6 हम कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जो कि है आपकी विपरीत दिशा की चाल। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं नाव धारा संबंधी वाले, लेकिन इसमें यह है कि आपको केवल इतनी बात को समझना होता है कि यदि नाव की जो चाल है वो नदी की दिशा में बह रही है पानी की दिशा में बह रही है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन यदि उसकी उल्टी साइड बह रही है यानी कि नाव दूसरी साइड चल रही है तो जो पानी की जो चाल है वो उसे उसकी चाल को डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल है 10 किलोमीटर घंटा, वह धारा की विपरीत दिशा में चाल दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में व्यक्ति की जो चाल होगी वो कितनी होगी। दोस्तों यहाँ देखिए धारा की दिशा में चाल का मतलब आपको क्या दिया हुआ था, नाव की चाल प्लस नदी की चाल, ठीक है, ये आपका हो गया 10 प्लस आपको क्या करना है विपरीत दिशा में इसकी जो चाल है उसे जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो देखिए 10 और 6 कितना होता है 16, 16 में 2 को भाग दे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 किलोमीटर घंटा है उस स्थिति में होगा ये, जब पानी जो है वो रफ्तार से नहीं चल रहा होगा वो शांत होगा उस समय व्यक्ति की पानी में चाल हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आपको जो शांत जल वाले क्वेश्चन पूछे जाए आपसे या फिर धारा की दिशा में या फिर विपरीत दिशा में उसके लिए आपको ये ट्रिक फॉलो करनी होगी। अब इसमें हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं कि किस किस तरीके से और क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव नदी के प्रवाह के साथ 80 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लेती है और नदी के प्रवाह के विरुद्ध 64 किलोमीटर जाने में 16 मिनट का समय लेती है, तो बताइए नदी की चाल क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है नदी के प्रवाह के साथ यानी कि नाव और नदी की दिशा दोनों की दिशा एक ही है, उस टाइम आपको चाल यहाँ पे निकालनी सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको दूरी दी हुई है यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो हम पहले निकाल लेते हैं इसकी
चाल, जब नाव धारा की दिशा में जा रही हो। तो देखिए दूरी बटा समय कर देंगे तो 80 × 80/10 इसको हम काट लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 8। यानी कि पहली जो चाल, पहली चाल का मतलब है यहाँ पे कि आपकी जो नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है उस समय आपकी जो चाल है वो तो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चाल इसमें है आपके दोस्तों नदी के प्रवाह के विरुद्ध, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में नाव जब जा रही हो तो उसमें भी आपको चाल निकालनी है। यहाँ पे आपको दूरी दी हुई है और आपके समय दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दूरी बटा समय कर देंगे तो 64 बटा में 16 इसको हम काट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। तो दूसरी चाल है आपकी धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी आपके पास नदी की चाल जुड़ी हुई है, यहाँ भी नदी की चाल जुड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे धारा की दिशा में जब जा रही है नाव तो उसमें भी इसमें चाल जुड़ी हुई है और यहाँ पे आपके पास यहाँ भी जुड़ी हुई है। तो आपको निकालनी क्या है, नदी की चाल निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 8 − 4/2। अब इसमें से हम घटा लेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 4/2। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2। यानी कि नदी की जो चाल आई है वो आपकी आई दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आपके पास जब ऐसे क्वेश्चन हो तो उन्हें आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि दो स्थान हैं पी व क्यू, उनके बीच की दूरी आपको दी हुई है 72 किलोमीटर। और एक तैराक है, जो तैराक की उसकी चाल है शांत जल में वो है 8 किलोमीटर। ठीक है, आप उसे बोल सकते हैं कि उसकी जो चाल वो है एक्चुअल वो है 8 किलोमीटर। और यदि धारा की चाल की बात की जाए तो वो है इसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है दोस्तों कि धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था दोस्तों, यदि आपसे पूछे जाए कि नाव की दिशा की मतलब जो धारा होती है उस दिशा में यदि नाव की चाल पूछी जाए, किसी व्यक्ति की चाल पूछा जाए, तो इसका मतलब होता है कि नाव की चाल, अब यहाँ पे नाव तो नहीं है लेकिन व्यक्ति है, तो व्यक्ति की चाल प्लस धारा की चाल। तो यहाँ पे आपको धारा की चाल दी हुई है और व्यक्ति की चाल भी दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, 8 + 4 यानी कि दोनों की जो चाल है उसे आप जोड़ लेंगे तो दोनों की चाल आ जाएगी दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन 12 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में तय कर रहा है और आपको टोटल दूरी तय कितनी करनी है, वो करनी है आपको 72 किलोमीटर। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे तो हम कर देंगे 72 / 12। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 6 घंटे, यानी कि 6 आवर में वो इस दूरी को तय कर लेगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो धारा और चाल, जो नदी वाली चाल है या फिर आपकी जो व्यक्ति की या फिर नाव की जो चाल है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कि दो स्थानों के बीच की दूरी है 27 किलोमीटर, स्थिर जल में नाव की चाल आपको दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति आवर और नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है। यानी कि नदी की चाल की बात करें, यानी कि धारा की चाल ये है आपके 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कि वह नाव दूसरे बिंदु तक जाने में और फिर वापस आने में कुल कितना समय लेगी, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको निकालना है समय, और समय का मतलब क्या होता है, समय आप निकालते कैसे हैं, समय का मतलब होता है कि दूरी बटा में चाल। ठीक है, और यहाँ पे आपको चाल जो निकालनी है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको धारा की विपरीत, धारा की दिशा में जाना है एक बार तो, और दूसरी बार आना है आपको धारा की विपरीत दिशा से। यानी कि एक बार तो आप इस तरीके से यहाँ जाएंगे, ठीक है, फिर आपका ये कोई पॉइंट है, यहाँ से दोबारा आपको ऐसे लौट के आना है। तो यहाँ पर तो है आप धारा की दिशा में जा रहे हैं और दूसरी बार जब आप आ रहे हैं तो धारा की विपरीत दिशा से होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपको करना क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो आपको धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों की चाल निकालनी होगी। सबसे पहले हम निकालते हैं धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, धारा की दिशा में निकालने के लिए नाव की चाल प्लस नदी या फिर धारा जो भी आपको दिया हुआ है उसकी चाल। तो देखिए नाव की चाल है आपकी 12 और नदी की चाल आपको दी हुई है 6, तो ये हो जाएगी आपकी 18, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको निकालना है धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालनी है तो उसका सूत्र क्या होता है, उसके लिए आपको नाव की चाल माइनस आपको करना होता है उसमें से नदी की चाल। तो देखिए दोस्तों नाव की चाल आपके पास 12, नदी की है 6, हम माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
अब आपके पास आ गई है धारा की दिशा की चाल और आपके पास आ गई विपरीत दिशा की चाल। अब आप निकालिए सबसे पहले तो कि आपको उस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा। तो समय आप निकालेंगे कैसे, सबसे पहले दूरी देखिए, दूरी है आपकी दोस्तों कितनी, 27 किलोमीटर। तो 27/18, 18 क्यों, क्योंकि आपकी ये दिशा की धारा की दिशा में जाने वाली चाल है, और प्लस क्योंकि आपको वहां से वापस आने में जो समय लगेगा वो समय भी आपको यहाँ पे चाहिए। तो देखिए दूरी अब भी आपकी वो 27 किलोमीटर तय करनी होगी आपको आने में, लेकिन आप जो समय आपकी जो यहाँ पे चाल होगी वो आपकी घट जाएगी, और चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 18 और 18 यहाँ पे आ जाएगा 27, और 6 के बारे में आप 18 आता है 3 बार, और 3 × 27 से गुणा करेंगे तो 7 × 21 और 3 × 6 = 7, 71। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 108/18, 18 के पहाड़े में आता है 6 बार कट जाएगा, तो आपकी जो चाल आएगी यानी कि चाल मतलब आपका समय आएगा दोस्तों वो आपका आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे में वहां तक पहुंच भी जाएगा और फिर वहां से वापस आ भी जाएगा। इस तरीके से जो आपको दोनों पॉइंट्स के मिड में जो आपको समय निकालना होता है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है कि एक तैराक की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे का समय लेता है। तो आपको धारा की चाल बतानी है, धारा की चाल किस में होती है, नदी में, तो इसका मतलब आपको नदी की चाल यहाँ पे बतानी है। तो आप बताएंगे कैसे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए धारा की दिशा में आपको दिया हुआ है, धारा की विपरीत दिशा में दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का आपको इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो है धारा की दिशा में का मतलब होता है कि इसमें आपके पास नदी की जो चाल होती है वो जुड़ी हुई होती है, लेकिन इसमें आपको पता नहीं है कि वो चाल है कौन सी। तो आप निकालेंगे कैसे इसको, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आप तैराक की चाल देखिए, तैराक की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बटा में नदी की चाल हम करेंगे, नदी की चाल हमें नहीं पता इसलिए हम इसको x मान लेते हैं, बराबर यहाँ पे आपको करना है दोनों के समयों का योग और बटा में दोनों के समयों का अंतर। इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोनों के समयों का योग करना है, तो एक समय आपके पास धारा की दिशा का 3 घंटे प्लस धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो उसमें लगेंगे आपको 9 घंटे, तो हमने कर दिया दोनों का योग, और आपको करना है दोनों का अंतर। तो देखिए दोस्तों 9 में से 3 गया तो ये आपके पास बचता है 6, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व कर लेना होगा, तो देखिए 8/x = 9 × 3 = 12 और ये हो जाएगा 6, तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो इसका मतलब आपके पास क्या बचा, 4। तो इसका मतलब आपके पास ये आपकी जो चाल आ गई नदी की वो आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बोट एंड स्ट्रीम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है गया है या फिर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को कीजिए शेयर और इसको कीजिए लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। पर यदि आपका कोई भी सवाल या कोई सुझाव है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कीजिए कमेंट। अगली वीडियो फिर मिलती है आपसे, तब तक के लिए वंदे मातरम।